कल बाढ़ हो जाए, भगवान न करे कभी भूकंप का शिकार हो, तो क्या हम संभालने की, कोई महामारी हो तो संभालने की स्थिति में हैं। मैंने सुना है बिहार में बर्न वॉर्स भी याद नहीं है, जो ढंग का बर्न वॉर जो जलने से होता है। तो इन सारी बातों पे सिर्फ विचार करने से नहीं, आप कहते वो चुप क्यों है, विपक्ष चुप क्यों है, चुप नहीं है, सब एकदम त्रस्त हैं, सब एकदम शॉक्ड हैं। ये हो रहा है कि हमारे परिवार के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ये लोग जो सिर्फ सरकार में हैं, अहंकार से अगर बात करेंगे और अहंकार से रहेंगे और अहंकार में दिखेंगे, उससे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। हम चाहते थे समस्या का समाधान हो, और साथ ही साथ विपक्ष भी इसी बात पे चिंतित है। मेरा ख्याल है कहीं विपक्ष में उबाल आया और जनता में उबाल आया इस बात का, तो शायद बहुत भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है हम लोग को। भगवान करे ऐसा ना हो और जल्द से जल्द इसका ये हो, और साथ ही साथ सारे अस्पतालों को, हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करें, चुस्त करें, ठीक करें, ताकि लोगों का अस्पताल में और हेल्थ सिस्टम में विश्वास बढ़े। और हेल्थ सिस्टम, क्या मेडिसिन मिल रहा है क्या इन लोगों को, और कहाँ तक मिल रहा है, कितना, कितनी बातें करें, इतने छोटे में एक बाइट में क्या क्या कहूँ मैं। इसलिए मैं भी उस दर्द को दबाए हुए चुप बैठा था, इसी तरह शायद बाकी लोग भी चुप हैं, कहें तो क्या कहें। एकदम देख के जिस तरह से परेशान हुए, अचंभित, शॉक्ड, क्षुब्ध, हार्ट ब्रोकन, शायद शब्द एकदम कम पड़ रहे हैं। इसलिए मैं इस वक्त यही कहूँगा कि मैं देख रहा हूँ और मैं साथ साथ दुआ कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द सबका निदान हो और इन समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान। आप कहते थे कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य दिखता है, लेकिन वो खुद गायब है। अभी देखिए कौन गायब है कौन, उससे उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, चूँकि मैं अभी आपके सामने आया हूँ। अभी मेरी कोई ऐसी जानकारी नहीं कौन है कौन नहीं है और क्यों नहीं है, क्या कारण है उसके। जब तक सामने वाले से बात नहीं होगी तब तक तो आप इस पर कोई रोशनी नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, चाहे जो हों, तेजस्वी हों, तेजस्वी के पूरे परिवार हों, मैं हूँ, मेरा परिवार हो, सारा विपक्ष परिवार हो, या मैं तो कहूँगा रूलिंग पार्टी में भी एक से एक लोग ऐसे अच्छे अच्छे हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनको इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये सही नहीं है, ये गलत है, एकदम ये गलत भी शब्द बहुत कम है, ये क्षम्य भी नहीं है। इतने सारे डॉक्टर, और अभी तक किस पे क्या एक्शन लिया गया है, किस पे कोई डिटरेंट एक्शन लिया गया है, जो इंक्वायरी के बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है क्या, कि अगर डॉक्टर दोषी हैं, कि प्रोफेशनल्स दोषी हैं, कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स दोषी हैं, कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदारी लेते हैं बिहार के, या कौन लेता है, कोई जिम्मेदारी ले रहा है क्या। सिर्फ ये कह देंगे कोई हमारे मंत्री जी यहाँ पर बैठे बैठे, वो भी मर्सी पटेशन मंत्री जी, लगता फोन किसी ने मर्सी के तहत बनाया गया, कह देते हैं कि इसका इलाज ही नहीं है। कैसे इलाज नहीं, आज कैंसर तक का इलाज है और इसका इलाज नहीं बच्चों का। कोई लीची पे डाल रहा है, लीची भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर होगा, लीची भी फैक्टर हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन भी फैक्टर हो सकता है। तो क्या अस्पतालों की हालत फैक्टर नहीं है, जो अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही और ढंग से नहीं मिल रही और समय पर नहीं मिल रही या कम मिल रही हैं या सबों को नहीं मिल रही हैं, वो फैक्टर नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो तो समीक्षा होगी और होनी भी चाहिए। 2014 भी हमारे मित्र हैं, बहुत ही काबिल आदमी हैं, हर्षवर्धन जी जो हेल्थ मिनिस्टर थे, वो आए थे, उन्होंने देखा था। और अब 2019 में मैं कहूँगा, अब 2019 में अब इस टाइम फॉर एक्शन, भाषण हो गया, अब राशन चाहिए, भाषण हो गया, अब काम करके दिखाओ, हम लोग को आगे बढ़ाओ, समाज को बढ़ाओ, हमारे बिहार को जो एक ज़माने में नंबर